नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बात किया जाए रेडियो संवर्ग परीक्षा में सहायक आपका परिचालक जो रिक्त पद आपके 1374 थे इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में नोटिस बहुत पहले दे दिया था, लेकिन आज इन्होंने 7 अगस्त 2024 को फाइनली रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट मतलब कट ऑफ अंक जारी कर दिया है और अब आप लोग ये जान सकते हो कि भाई किसका हुआ किसका नहीं हुआ। एक बात यहां पर तय है कि कट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के आसमान छू रहे हैं। मैं सारी बातें बाद में करूंगा, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कट ऑफ क्या गया है। आरक्षित का अगर आप देखोगे ये आपका किसका है, ये आपका सहायक परिचालक का है, वो भी आपका हेड ऑपरेटर का नहीं है। ये आपका किसका है, ये आपका असिस्टेंट वाले का है, सहायक परिचालक का है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा 358.73 है, जो आपका हेड ऑपरेटर की रिजल्ट है उसे होल्ड किया गया है, उस पर केस चल रहा है। आपको पता होगा डिप्लोमा और बीटेक का एक छोटा सा फाइट चल रहा है। हालांकि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि उसमें क्या होने वाला है, वो सारी बातें जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिर भी अभी मान के चलो कि जो आपका इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया कि आपका हेड ऑपरेटर के चलते असिस्टेंट वालों का रोक के नहीं रखे, असिस्टेंट वालों का क्लियर कर दिए। और ऐसे सारे विभाग को भी, सारे आयोग को ये कदम उठाने चाहिए कि जो प्रभावित, जो आपके पद प्रभावित हो उनको आप होल्ड कर लो, बाकी सबके रिजल्ट आप निकाल दो। इन्होंने दे रहा है दुरुस्त है, आरक्षित का निकाला, लेकिन 358 400 नंबर का पेपर था। और अगर आप यहां पे देखोगे अनरिजर्व का 358.73, मतलब कि ये इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बाहर है। अगर आप 358.73 मतलब 359 आप लेके चल सकते हो कि 360 नंबर 400 नंबर, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 80% होता तो भी 320 होता। आप 85% लगभग 85 के साथ साथ 90% के आसपास रिजल्ट बन रहा है, 9 चौक 36 है ना, 85 से 90 के बीच में, तो एग्जैक्टली अगर अप्रोक्सीमेट में 360 लेके चले तो 9 चौक 36 90% का आपका रिजल्ट बन रहा है। और एक बात आप लोग को, अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे यूपीएसआई एएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अपना टारगेट, मतलब कि एक जो लक्ष्य रखा जाता है वो 350 मान के चले। उसमें बहुत सारे बच्चे ये बोले कि आपको होगा क्या है, आप 350 बता रहे हैं, इतना कभी नहीं जा सकता। भैया इसमें देखा जाए तो ये 1374, अब आप इसे देख लो, 1374 पत्थे केवल किसके, सहायक परिचालक के, टोटल 2430 के आसपास पत्थे, जिसमें 1374 केवल असिस्टेंट ऑपरेटर के आपके पत्थे। और इसमें विज्ञापित दिनांक 6/1/2022 को हुआ था, परीक्षा आपकी 1/2/2024 से 8/2/2024 में चला था, 16 पालियों में ये पेपर हुआ था। और इसमें हालांकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है तो 4216 बच्चे क्या हुए, सिलेक्ट हुए हैं, मतलब 3 गुना बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। यूपीएसआई एएसआई में कंडीशन ये होता है कि स्टेनो में थोड़ा 5 गुना या 8 गुना बुलाए जाते हैं, तो वहां पे कट ऑफ भी थोड़ा नीचे आती है और बच्चे स्किल वाले मिलते भी नहीं है। लेकिन अगर यूपीएसआई एएसआई में, अगर हम लोग एएसआई की बात करें, एएसआई में खासकर हम लोग अकाउंटेंट और क्लर्क की बात करें, तो क्लर्क का कट ऑफ फिर से आसमान छूने वाला है। पिछली बार भी जो कट ऑफ गया था, फाइनल जो कट ऑफ गया था वो 325 से 326 नंबर के आसपास गया था 400 नंबर में से, तो उससे ज्यादा ही जाएगा क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी क्या है, ज्यादा जागरूक हैं। सो आप थोड़ा सा, कई बातें क्या होती है, कई बार आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, या आप लोग कई बार मेरी बातों में बिलीव नहीं करते, और ये आपके विचार है कि आप उसे मानो ना मानो, लेकिन जो सत्य है, सत्य किसी के आगे झुकता नहीं। और ये अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं इस पर धांधली हुई है, ऐसा नहीं है भैया, पद यहां पे क्या है, बहुत कम है, हो सकता है हुआ हो, मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई 1% भी कोई ऐसा केस नहीं पूरा करो पूरा पेपर आउट हो जाता है, तो मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि नहीं नहीं इसमें कोई भी 1% भी कुछ हुआ नहीं होगा, बिल्कुल हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्मल बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, नॉर्मल बच्चा सेलेक्ट होता है। और 358.73 360 आप समझ रहे हो कि तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए अगर पद कम आते हैं। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो है 305, भूतपूर्व सैनिक और यह महिला 341, ये आपकी क्या है, लंबवत। अगर यहां पे हम लोग किसकी बात करें, ईडब्ल्यूएस की 343 है, ओबीसी की 350 है, अनुसूचित जाति एससी की 333 जा रही है और एसटी की 312 जा रही है, मतलब कि, और अगर आप इसमें देखोगे बाकी जो कट ऑफ इन सारी श्रेणियों में है, इनमें आप देख सकते हो ये आपकी लंबवत श्रेणी है, इनमें आपका दिया गया है। तो भाई इनका जो आपका फिर से जो अब क्या अगला स्टेज होना है, अगला स्टेज आपका डीवी होना है और शारीरिक मानक परीक्षण होना है, ठीक है। इसके लिए आपका सितंबर माह तय किया गया है, तो सितंबर में ये लगभग करवा भी लेंगे, बाकी हेड ऑपरेटर वालों का जब क्लियर हो जाएगा तभी यहां पे आएगा।
और ये यही कारण था। आपने से बहुत सारे बच्चे ये बोल लेते हैं, सर एक बार कट ऑफ बताइए, एक बार कट ऑफ बताइए। मैं कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहता हुआ, इसलिए नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे ही पता है इस वैकेंसीज में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। यूपीएसआई एसआई में क्या हुआ था, आप लोग पूरा डेटा दोगे नहीं, डेटा के हिसाब से मैं अनुमान थोड़ा कम लगा दूंगा, अनुमान कम लगा दूंगा आपके थोड़े से उस समय के लिए कि हाँ भाई बच्चा खुश रहे, बच्चा पॉजिटिव रहे, लेकिन हकीकत तो ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि आपको कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। और अगर मैं सपोज करो कट ऑफ की वीडियो बनाता और बता देता कि 360 कट ऑफ जानी है, यकीन मानिए आप ही के वो शब्द होते जो आप ये भूल जाते कि एक गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो भूल जाते, एक जो मर्यादा है आप वो भूल जाते, और इसी कारण से मैं ये वीडियोस नहीं बनाता हूं। तो बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों, मैं ऐसा नहीं है कि हर तरफ से हर प्रयास से आपकी मदद करना चाहता हूं। जैसे इसी वैकेंसी की बात करूं, जब मैं आपका यूपी इसका हेड ऑपरेटर वाले का बात कर सकते हो कि समकक्षता पे या फिर बोल सकते हो कॉलेज में अर्हता पे आधारित में भर्ती बोर्ड गया था, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को यह लगा, जैसे डिप्लोमा वाले बच्चों को, कि मैं उनके अगेंस्ट में बेटे वालों के साथ हूं। ऐसा नहीं है, मैं सही जानकारी लेने जाता हूं और मैं जो मुझे जानकारी मिलेगी वो जानकारी मैं आपको दूंगा, वो सही है या गलत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है मेरी कोई बात एक को अच्छी लगी दूसरे को बुरी लगे, तो आप आजाद हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आपको कोई रोका नहीं, आप कुछ भी बोल के चले जाते हो, एक मर्यादा के से हटके आप चीजें बोल जाते हो और वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। ऐसा लगता है सारा प्रयास इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, बट कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल है वो है, जो सिचुएशन सत्य है वो सत्य है, और मैं हमेशा आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा रहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा भी लगे, आप लोग के कमेंट फिर से मैं बोलूंगा कि मोस्ट वेलकम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है। और मैं बाकी चीज नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि जो यूपीएसआई एसआई वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले तैयारी कर रहे हैं, इवन हमारे जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज कम कट ऑफ लेके दिमाग में मत चलिएगा। कट ऑफ हाई लेके चलिएगा तो आप जितना ऊपर लक्ष्य रखते हैं तीन उससे थोड़ा कम ही जाती है, 350 लेके चलेंगे तो 340 तक ही आएगा, और हो सकता है 330 से 340 के आसपास आपका कट ऑफ लग जाए, लेकिन ये बहुत सेफ जोन में है। मतलब मैं बहुत अपने दिल को हल्का करके बोलूं कि नहीं बच्चा डिमोरलाइज ना हो, तब मैं बोलूंगा 320 से 335 के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकली जो दिल की आवाज सुनो ना, कि ऐसा मन करता है, दिल करता है कि नहीं यार कट ऑफ तो फिर से हाई जाएगी, वैकेंसी बहुत कम है, बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, समय मिल गया है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, अंदर से आवाज आती है, बाकी समझदार कोई सारा काफी है। आपको जैसा उचित लगे वैसा करें, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।